जब G+3 यानी फोर्थ स्टोरेज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो और आप सबसे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपको हॉल कंस्ट्रक्शन करना हो और दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 25 फीट हो, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कॉलम और बीम का जो साइज होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉलम का डिटेल प्लान है और ये बीम का डिटेल प्लान है। ये कॉलम और बीम का साइज जो है वह क्या होगा, तो इसका हम डिटेल आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आज हम इसका देखेंगे कि कॉलम और बीम का साइज, जब दो कॉलम के बीच का स्पान 25 फीट हो और फोर्थ स्टोरेज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा। हाय गाइज, मायसेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कि जब दो कॉलम के बीच का स्पैन 25 फीट हो तो उसका कॉलम और बीम का साइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीम का हम डिटेल प्लान देखेंगे और ये कॉलम के लिए डिटेल प्लान देखेंगे। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें और वीडियो को आप पूरा देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि आपके डाउट को हम क्लियर कर सकें। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस ये 25 फीट है। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉलम का साइज क्या होगा और इसका पूरा डिटेल प्लान देखेंगे कि बीम का साइज क्या होगा और इसमें सरिया जो प्रोवाइड करेंगे किस टाइप से और कितना नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम का डिटेल प्लान देखेंगे कि कॉलम का साइज क्या होगा और कॉलम में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि G+3 यानी फोर्थ स्टोरेज बिल्डिंग के लिए है और नीचे में ये जो है कि आपका ग्राउंड फ्लोर में जो है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है हॉल का हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम कॉलम का साइज लेंगे, ये आप देख रहे हैं कि कॉलम का साइज है, तो कॉलम का साइज ये जो है 10 फीट × आपका 15 इंच, यानी 10x15 इंच जो है 10×15 इंच का कॉलम का साइज होगा। और इसमें जो हम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, वो नंबर ऑफ बार आप देख रहे हैं किस टाइप से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका रेनफोर्समेंट इन कॉलम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट इन कॉलम देख रहे हैं, तो ये जो नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, ये 4 नंबर ऑफ बार आप 16 डाया का प्रोवाइड कीजिएगा, जो कि 16 डाया लिखा हुआ है, और 4 नंबर ऑफ बार आप 12 डाया का प्रोवाइड कीजिएगा। तो ये टोटल 8 नंबर ऑफ बार हम कॉलम में प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो आप स्पेसिंग प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जो इसमें स्टिरप्स प्रोवाइड किया जाएगा, स्टिरप्स का साइज क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टिरप्स का जो साइज है वह आपका 8 mm डाया का प्रोवाइड करेंगे, और स्टिरप्स के बीच जो आपका ये रिंग जो आप प्रोवाइड कीजिएगा, यानी स्पेस जो दीजिएगा, वह स्पेस आपका कितना होगा। तो ये स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये स्पेस जो है कि सेंटर टू सेंटर स्पेस जो हम प्रोवाइड करेंगे वह 6 इंच का प्रोवाइड करेंगे सेंटर टू सेंटर, और रेनफोर्समेंट होगा वो आपका 8 mm डाया का होगा। तो ये आपका रेनफोर्समेंट कॉलम का डिटेल प्लान हो गया। और इस तरह हम ये सीख भी सकते हैं कि जो मेरा ड्राइंग दिया हुआ है उसका जो डिटेल प्लान है उसमें हम इसको किस तरह पढ़ कर समझ सकते हैं। प्रोवाइड किया गया है तो इस बीम के लिए हम देखेंगे कि इस बीम में जो प्रोवाइड किया गया है इसका डिटेल प्लान देखेंगे कि इसका डिटेल प्लान किस तरह था कि इसके थ्रू जो है कि बीम प्रोवाइड किया गया है। तो आइए हम बीम का डिटेल प्लान देखते हैं। तो ये आपका बीम का डिटेल प्लान है, तो इसमें हम देखेंगे, आप देख रहे हैं कि ये बीम का जो स्पान है दो कॉलम के बीच का 25 फीट है। तो इसमें जो बीम प्रोवाइड किया गया है, इसमें जो सरिया है वह क्या लिया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बीम का साइज, यानी बीम का साइज जो इसमें लिया गया है, वह बीम का साइज जो है आपका 10 इंच × 15 इंच का, जो कि देख रहे हैं कि डेप्थ इसका जो है कि ये आपका 15 इंच का डेप्थ है और 10 इंच आपका विड्थ है। तो इसमें अब नेक्स्ट जो सरिया प्रोवाइड किया गया है, तो ये आप देख रहे हैं कि ड्राइंग पढ़ रहे हैं कि ये आपका टॉप पार्ट है और ये आपका बॉटम पार्ट है। तो ये टॉप पार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 नंबर ऑफ बार है, जो कि आपका 16 mm का है। 16 mm का 3 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया जाएगा। और हम देखेंगे बॉटम पार्ट में, बॉटम पार्ट में देख रहे हैं कि 3 नंबर ऑफ 16 mm का डाया है और 2 डाया आपका है आपका 12 mm का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 3 डाया आप 16 mm का प्रोवाइड करेंगे और 2 डाया 12 mm का बॉटम पार्ट में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बीम में जो है कि सबसे ज़्यादा रेनफोर्समेंट जो है
आपका बॉटम पार्ट में जरूरत पड़ता है और टॉप पार्ट में कम जरूरत पड़ता है। और इसमें हम नेक्स्ट प्लान में देख रहे हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ बीम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाएगा वह आपका एक्स्ट्रा बार, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिशनल बार प्रोवाइड किया गया है कि जो कि 12 mm का है, वह आपका L/4 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है, यानी बीम का जो टोटल साइज होगा उसका L/4 डिस्टेंस के अनुसार हम इसमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आप इसका ड्राइंग देख रहे हैं जो कि आपका रेन्फोर्समेंट डिटेल का है L/4 डिस्टेंस, और इसमें आपका एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो रिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रप्स जो प्रोवाइड किया गया उसका ये डिटेल प्लान है। तो यहाँ पे जो रिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 mm का डाया प्रोवाइड किया गया है और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वह 6 inch रहेगा, यानी सेंटर टू सेंटर कितना रहेगा, 6 inch रहेगा। और जो इसमें हम स्ट्रप्स प्रोवाइड किए हैं उसका जो साइज होगा, यानी रिंग का जो साइज होगा, वह रिंग का साइज आपका 7 inch into 12 inch का होगा, क्योंकि आपका बीम का जो साइज है वह आपका 10 inch by 15 inch जो है बीम का साइज है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है 7 inch by 12 inch का इसमें रिंग प्रोवाइड करेंगे।